सो डियर स्टूडेंट्स, आज दे लेक्चर दे विच असी डिस्कस करांगे अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। बट उस तो पहला जिहड़ा असी प्रीवियस लेक्चर दे विच डिस्कस कीता सीगा कि वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन ड्रिलिंग मशीन केड़े ने, सो वो आपां एक बार दोबारा रिव्यू कर लैंदे आ। सो सब तो पहला जिहड़ा ऑपरेशन सीगा ड्रिलिंग सीगा, ड्रिलिंग दे विच आपां की करदे आ, एक सिलेंड्रिकल होल जिहड़ा आ उहनू रिमूव करदे आ, ठीक है जी। एंड ओहदे विच की हुंदा है, जिहड़ा मेटल पोर्शन है वह रिमूव हुंदा है, ते आपां जिहड़ा होल आ वह ड्रिल करदे आ। उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा आपां ऑपरेशन स्टडी कीता सीगा ओह सीगा स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग दे विच जिहड़ा आह वाला एरिया है कदी कदी रफ रह जांदा है, अनईवन रह जांदा है, फ्लैट नहीं हुंदा, स्मूथ नहीं हुंदा। सो स्पॉट फेसिंग दे विच आपां की करदे आ, स्पिंडल दे इस वाले पोर्शन ते आपां अटैचमेंट लगा के इहनू रोटेट करदे आ, ओहदे नाल की हुंदा है आह वाला जिहड़ा सरफेस आ जिहड़ा है स्मूथ हो जाता है, ठीक है जी। उस तो अगला जिहड़ा है दैट इज रीमिंग। रीमिंग दे विच आपां की करते हैं, जिहड़ा अंदर वाला होल का सरफेस है उहनू आपां फिनिश करते हैं। रीमिंग दे विच 0.375 mm तक का जिहड़ा होल है वह फिनिश हुंदा है, ठीक है जी। मैटल जिहड़ा है इन्ना इस क्वांटिटी दे विच जिहड़ा है वह रिमूव हुंदा है। उस तो बाद आंदा जी बोरिंग। बोरिंग दे विच ऑलरेडी जिहड़ा आपां होल ड्रिल कर चुके हैं उहनू एनलार्ज करन दे लई आपां की करते हैं बोरिंग टूल यूज करते हैं। उस तो बाद आपां स्टडी कीता सीगा काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग दे विच की करते हैं आपां एक लिमिटेड पोर्शन है जिहड़ा होल दा उहनू ही एनलार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जे आपां कोई बोल्ट आ, बोल्ट नू मैटल पार्ट्स नू जोड़न दे लई आपां यूज करते हैं। हुण बोल्ट दा जिहड़ा हेड आ, हैड ओहदा जिहड़ा आ मशीन जिहड़ा मशीन आ उस तो बाहर ना रहे, इसलिए आपां की करते हैं काउंटर बोरिंग करते हैं ताकि जिहड़ा हैड आ वह भी विच ही एडजस्ट हो जाए। उस तो बाद आपां काउंटर सिंक स्टडी कीता सीगा, जिदा कि स्क्रूज हुंदे आ, स्क्रूज दे जिहड़े हैड हुंदे आ कोनिकल शेप दे हुंदे आ। सो कोनिकल शेप दी ड्रिलिंग उपर वाले पोर्शन ते करन लई आपां काउंटर सिंकिंग करदे आ। उस तो बाद सीगा जी टैपिंग। टैपिंग दे विच आपां की करदे आ इंटरनल थ्रेड्स ने जिहड़े उहनां नूं कट करदे आ टैपिंग दे विच। सो नैक्सट असीं चलदे आ अज दे टॉपिक दे विच जिहड़ा आ क्लासीफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन एंड देयर डिस्क्रिप्शन। सब तो जिहड़ी पहली टाइप है दैट इज पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। उस तो बाद आती है जी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। उस तो बाद आती है अपराइट ड्रिलिंग मशीन। अपराइट तो बाद आती है जी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। उस तो बाद नैक्सट आती है मल्टीपल ड्रिल हैड ड्रिलिंग मशीन एंड लास्ट इज गैंग ड्रिलिंग मशीन। सो अज के जिहड़े तुहाडे दो लैक्चर आ, ठीक है जी, असी दो पोर्शनस दे विच स्टडी करांगे। सो पहले पोर्शन दे विच आपां स्टडी करांगे अबाउट पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन एंड सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। सो सब तो पहला आपां गल करदे आ जी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन दी। सो इह स्टूडेंट्स तुहाडी टाइप है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन दी। इस ड्रिलिंग मशीन दे सब तो पहला आपां पार्ट्स देख लैंदे आ। सब तो नीचे की है ड्रिल बिट है, ठीक है जी, जिहदे हैल्प दे नाल जिहड़ा होल ड्रिल हुंदा। उस तो बाद आंदा है जी जॉ। जॉ दा काम की आ, उहने ड्रिल बिट नूं होल्ड करके रखना आ, ठीक है जी। चक की आ, जिहड़ा जॉ नूं लूज करदा आ जां फिर टाइटन करदा। सो इहनूं तुसीं काफ़ी जगह देखिया होएगा। उस तो बाद आंदा जी साइड हैंडल। साइड हैंडल दे नाल आपां की करदे आ इहनूं होल्ड करके रखदे आ मशीन नूं। उस तो बाद तुसी देख पा रहे हो इस जगह हैगा टर्निंग हैंडल। टर्निंग हैंडल दी हेल्प दे नाल इह जिहड़ा ड्राइव व्हील है इहनू आपां रोटेट करदे हैं, ठीक है जी। और सब तो उपर हैगा जी मेन हैंडल, ठीक है। सो इह की है एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, उहदी एक पहली टाइप है जिहनू असीं कहिंदे आ हैंड ब्रेस। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन दीआं वी अगे काफ़ी टाइप्स ने, एक हैगी है हैंड ब्रेस, एक हैगी है ब्रीस्ट ड्रिल, एक हैगी है इलैक्ट्रिक और न्यूमैटिक पोर्टेबल मशीन। सो ये तुहाडी सब तो पहली टाइप है दैट इज हैंड ब्रेस। सो ये एक स्मॉल ड्रिलिंग मशीन है, बहुत छोटी एक ड्रिलिंग मशीन है जिहड़ी असी ईजीली किसी भी जगह पर कैरी कर सकते हैं। जिहड़ा वर्ड पोर्टेबल उहदा मतलब यही हुंदा है कि असी उस चीज़ नूं किसी भी जगह पर लिजा सकते हैं। इहनू आपां यूज करते हैं फॉर ड्रिलिंग होल्स इन एनी पोजिशन, किसी भी पोजिशन पर, चाहे वह होरिजोंटल पोजिशन है, वर्टिकल आ, इनकलाइंड आ, या फिर ओवरहैड पोजिशन है। आपां इस मशीन नूं उस जगह यूज करते हैं जिथे कि कोई स्टैंडर्ड मशीन,
कोई स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन आप नहीं यूज कर सकते, उत्थे आप की करते हैं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं। हुण जिहड़ी ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है इना नू या तो हैंड दे नाल या ते पावर दे नाल आपां ओपरेट करते हैं। सो इना दी इना कैटेगरीज दे हिसाब दे नाल डिफरेंट साइजिज दे विच जिहड़ियां मशीन ने अवेलेबल ने। मैक्सीम 12 mm डायामीटर तक का होल है जिहड़ा आपां पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन दे नाल ड्रिल कर सकते हैं। हुण अगर सोर्स ऑफ पावर देखा जाए तो सोर्स केड़ा केड़ा हो सकता, एक हो सकता मैनुअल, तुहाडे सामने जिहड़ी तुसीं मशीन देख रहे हो यह एक मैनुअल मशीन है, ठीक है जी। उस तो बाद आती है इलैक्ट्रिक या फिर न्यूमैटिक मशीन, वो आप लेटर ऑन देखांगे, ठीक है जी। ये सब तो पहली कैटेगरी है जिन्हों असी हैंड ब्रेस कहते हैं, इनू 6 mm तक के होल ड्रिल करन दे लई यूज करते हैं, मतलब 6 mm जिहड़े होल आ वो आप इस मशीन के नाल ड्रिल कर सकते हैं। स्पैशली ये यूजफुल रहती है फॉर द रिपेयर वर्क एंड ओ वालिया पोजिशन जिन्हों पोजिशन से आप एक स्टैंडर्ड बेंच ड्रिलिंग मशीन नहीं लैके जा सकते, ठीक है जी। एंड जो लेंथ है मशीन की वह है नीयर अबाउट 30 cm, यदि जी पूरी लेंथ है मशीन की वह 30 cm है। एंड ये 3 jaw चक असी यूज करते हैं फॉर होल्डिंग द ड्रिल बिट। सो जदों आप ड्रिलिंग करते हैं काफ़ी केयर रखने की जरूरत पैंती है ये रीजन की है, जी आप हैंड के नाल व्हील नू घुमाना एंड उहदे नाल की है पीनियन गेयर जिहड़ा अटैचड है। सो आप जदों इस व्हील नू घुमावांगे इहदे नाल की होएगा पीनियन गेयर है जिहड़ा वह भी मतलब रोटेट करेगा, इहदे नाल की होना इहदे नाल एक स्पिंडल अटैचड है जिहड़ा कि इस ड्रिल बिट नू रिवॉल्व करवाउंदा है। सो हुंदा की है बेसिकली इन्हां मशीन्स दे विच RPM जिहड़ी है बहुत घट प्रोड्यूस हुंदी है। सो हुंदा की है जिहड़ा अपना ड्रिलिंग पॉइंट है वह हिल भी सकता है, सो इहदे नाल जिहड़ा जिथे आप ड्रिल करना है होल वह मिसप्लेस भी हो सकता है, मिसलोकेट भी हो सकता है, ठीक है जी। पिनियन गेयर जिहड़ा आ वह ड्राइव लैंदा आ ड्राइव व्हील तो, ठीक है जी। एंड उहदे नाल की है स्पिंडल रोटेट करता है, स्पिंडल की है स्पिंडल इस जगह है जिहड़ा रोटेट करता है, ठीक है जी। स्पिंडल दे नाल चक अटैचड है एंड उस तो अगे जिहड़ी ड्रिल बिट आ वह रोटेट करती है। सो ये सीगी सर स्टूडेंट्स तुहाडी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। उस तो बाद होर भी अगे कुछ टाइप्स ने, यह है जी ब्रीस्ट ड्रिल, ठीक है। सो आप हैंड सब तो पहली जिहड़ी ड्रिल सीगी वह आप स्टडी कर चुके हैं, उस तो बाद आप डिस्कस करांगे ब्रीस्ट ड्रिल। सो जिहड़ी ब्रीस्ट ड्रिल है इहदे विच भी 3 jaw चक है एंड इहदी जिहड़ी कपैसिटी है ड्रिल करन दी ओह होल नूं ओह है 12 mm तक। इस मशीन च एक एडिशनल चीज़ लगी है विच इज ब्रीस्ट प्लेट, तुसीं इत्थे देख पा रहे हो इत्थे एक ब्रीस्ट प्लेट लगी है, ठीक है। इहदी हैल्प दे नाल असी की करते हैं प्रैशर ज़्यादा अप्लाई कर पाते हैं। सो इस तो बाद अगली जिहड़ी पोर्टेबल मशीन की टाइप है दैट इज इलैक्ट्रिक और न्यूमैटिक मशीन। सो इलैक्ट्रिक और न्यूमैटिक मशीन तुसीं देख पा रहे हो अज दे जिहड़े मॉडर्न जमाने च तुसीं सारिया ने देखी होएगी जिहड़ी ये मशीन है इलैक्ट्रिक मशीन है जिहनूं असीं इलैक्ट्रिकली ओपरेट करते हैं। सो जो काम असीं व्हील नूं मैनुअली घुमा के करते हैं, ठीक है, करते सीगे, हुण इस विच की है इलैक्ट्रिक मोटर जो है वो करती है विद हाई स्पीड एंड हाई RPM। इस मशीन नू स्टार्ट ते स्टॉप करना जिहड़ा आ फिंगर कंट्रोल दे नाल हुंदा है, जिहदे नीचे एक बटन लगा हुंदा है, बटन नू प्रेस करदे आ तां ड्रिल मशीन स्टार्ट हो जाती है, बटन नू स्टॉप करदे आ तां जिहड़ी ड्रिल मशीन है वह बंद हो जाती है, ठीक है जी। इलैक्ट्रिक मोटर की जिहड़ी पावर है वह 0.05 तो लैके 2 HP तक हो सकती है, तो मैक्सीमम जिहड़ा ड्रिल साइज है वह 12 mm का हो सकता है। जदों न्यूमैटिकली ओपरेट करते हैं तो जिहड़ी पावर उन्हों मिलती है वह मिलती है फ्रॉम कंप्रैसड एयर। सो इस मशीन की असी गल कर रहे थे, इनू आप इलैक्ट्रिकली भी ओपरेट कर सकते हैं तो मैनुअली भी। इस जगह स्विच लगा है जिहड़ा कि ड्रिल बिट नू मूव करवाता है, मूव किदा करवाता है, इलैक्ट्रिक मोटर जो रोटेट करेगी वो स्पिंडल अटैचड आ, स्पिंडल के नाल जो ड्रिल बिट लगा होएगा और वो जी ड्रिल बिट आ वह भी रोटेट करेगी, ठीक है जी। न्यूमैटिकली इस मशीन कि ओपरेट किया जा सकता है, जी पावर है वह उन्होंने मिलेगी कंप्रैसड एयर के नाल।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।